हेल्पलाइन फिजियोथेरेपी सेंटर, पेन क्लिनिक, एक ऐसा नाम जिसने स्थापना के कुछ समय बाद ही न सिर्फ आसपास के क्षेत्र बल्कि दूरदराज के इलाकों तक अपनी एक अलग पहचान बना ली है। इस पहचान का मुख्य कारण सिर्फ यह है कि इसकी बागडोर खुद विख्यात डॉक्टर वीरेंद्र खोकर ने संभाल रखी है। वही डॉक्टर खोकर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं AIAP के और कई कॉलेजों में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की भूमिका अदा कर रहे हैं। पल्लवपुरम स्थित इस पेन क्लिनिक में एंट्री करते ही पेन से रिलीफ महसूस होने लगता है। इलाज शुरू होता है तो बेहद प्रशिक्षित हाथों में स्वयं को पाकर लगता है कि अब हम सही जगह आ गए हैं और जल्द ही जानलेवा इस दर्द से निजात मिल जाएगी। ऐसा हम नहीं, वहाँ अपना इलाज करा रहे पेशेंट कह रहे हैं। सभी जगह इलाज कराकर लौटे निराश इन मरीजों का कहना है कि उन्हें हेल्पलाइन फिजियोथेरेपी सेंटर उनके जीवन में संजीवनी जैसा लाया है। सभी जगह इलाज कराकर निराश लौटे इन मरीजों का कहना है कि उन्हें हेल्पलाइन फिजियोथेरेपी सेंटर उनके जीवन में संजीवनी जैसा लगता है। आइए बात करते हैं डॉक्टर वीरेंद्र खोकर से। एक्चुअली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बेसिस के ऊपर हम फिट तो इंडिया फिट के किसी स्लोगन को लेकर के हमने अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर वीकली हर उसको सैटरडे के अंदर एक फ्री कैंप ऑर्गेनाइज किया है। उसके अंदर जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, किसी भी प्रकार के पेशेंट हों, उनसे किसी प्रकार का चार्ज वगैरह हम नहीं लिया जाता है। दूसरी चीज़, फिजियोथेरेपी को हमने तीन चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो होता है आपका प्रिवेंशन वन बिफोर द थिंग्स हैपन्स, उसको स्टॉप किया जाता है, जैसे ठीक से बैठना, ठीक से चलना, क्या क्या प्रिवेंशंस होने चाहिए आपके। उसके बाद होता है ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रीटमेंट के बाद होता है पेशेंट का पुनर्स्थापन। पुनर्स्थापन का मतलब ये है कि आपका एनी डिजीज, आपका एनी इंजरी, पेशेंट्स के अंदर जो भी बाकी बचता है उसके द्वारा उसको एक इंडिपेंडेंट मेंबर सोसाइटी के अंदर बनाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी डेली बेसिक की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके, इंडिपेंडेंसी उसके अंदर आ सके। मोस्टली हमने यहाँ पर देखा है जो पेशेंट जब ज़्यादा समय तक वो सिक रहता है, जैसे CVA हो गया, हेमिप्लीजिया हो जाता है उसको, स्ट्रोक हो जाता है, एक्सीडेंट्स हो जाता है, रोड एक्सीडेंट्स होता है, उसके बाद पेशेंट डिप्रेशंस में आ जाता है। डिप्रेशंस का मेन्स ये है जब वो अपनी छोटी छोटी नीड्स के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस हो जाता है, तो उसके अंदर केवल एक फिजियोथेरेपी एक ऐसी होप है जो उसके जीवन के अंदर दोबारा आती है, और हम जहाँ से कोशिश करते हैं पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं, और हमारे डिपार्टमेंट में बड़े अच्छे ही उसके अंदर रिजल्ट भी आए हैं। जब पेशेंट आता है हमारे यहाँ, तीन उसके अटेंडेंट उसको उतारते हैं, डिपार्टमेंट में लेके आते हैं, और आफ्टर वीक एंड सम टाइम्स हमारे एफर्ट्स से, हमारे स्टाफ के एफर्ट्स से पेशेंट इंडिपेंडेंटली जब बैठ करके जाता है तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा महसूस होता है। मेरा नाम वीनू खोकर है, मैं अपने पूरे डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ। काफ़ी दूर दूर से हमारे डिपार्टमेंट में पेशेंट आते हैं, और सभी तरह के पेशेंट आते हैं, जितनी भी फीजों से जुड़ी हुई समस्या होती है उस पर सब तरह से यहाँ ट्रीटमेंट दिया जाता है, और पेशेंटों के लिए बहुत ध्यान रखा जाता है कि उन्हें कोई किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसका समाधान बहुत जल्दी किया जाता है। उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है, पूरा क्लिनिक हमारा हाइजेनिक रहता है, और बहुत सारी चीज़ों पर पेशेंट के ध्यान दिया जाता है। कुछ बहुत पुराने पेशेंट होते हैं हमारे पास, ज़्यादातर पेशेंट जब थक चुके होते हैं ना इधर उधर भाग दौड़ कर कि वहाँ ट्रीटमेंट लिया वहाँ लिया, उसके बाद जब वो हमारे पास आते हैं तो मुझे लगता है एक ही 1 वीक में ही उनको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, और वो यहाँ से ठीक होकर जाते हैं, जो हमें भी अच्छा लगता है और पेशेंट को भी बहुत अच्छा लगता है, और बाहर जाकर वो हमारी खूब अच्छे से वो करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। शिवानी शर्मा, हमारे यहाँ ना CP के पेशेंट्स आते हैं, जो कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं CP में जो चल नहीं पाते, बिल्कुल बोल नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते, उन लोगों को हम एक्टिविटीज़ कराते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़, ताकि थोड़ी फिज़िकल उनकी हो सके और वो नॉर्मल वॉकेबल रहे पेशेंट। और हर तरह के पेशेंट आते हैं, ग्रोथ जिनकी ज़्यादा नहीं होती उनको भी एक्सरसाइजेस प्रोवाइड की जाती है। हमारे यहाँ कुछ CP के पेशेंट्स आते हैं जो थोड़ा मेंटली रिटायर्ड होते हैं, उन केस में ज़्यादा रिजल्ट नहीं आता है, बट फिजियोथेरेपी के उनको ताकि हम एक्सरसाइजेस कराते हैं तो वो अपने वर्क इंडिपेंडेंटली करने लगते हैं, और
जो लेडीज़ होती हैं मोस्टली प्रेगनेंसी में वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं ले पाती है, उनको अच्छे से डाइट चार्ट प्रोवाइड करते हैं और ताकि वो अच्छे से बेबी को ग्रोथ कर सके, और उनको एक्सरसाइजेस बताते हैं ताकि बैक पेन से रिलीफ मिल सके और पेशेंट्स इंडिपेंडेंट वॉक कर सके। सेंटर में हमने ट्रेंड हाथों से इलाज करा रहे कई मरीजों से बात की, आइए देखते हैं उन्होंने क्या फील किया और क्या पाया। नाम बताओ अपना, क्या क्या प्रॉब्लम है आपको? कमर में दर्द रहता है ना? हाँ, कितने दिन हो गए? दो साल हो गए हैं। आप कितने दिन से आ रहे हो? चौथे दिन। आपको आराम है? हाँ। आराम है? हाँ। घर पे आप एक्सरसाइजेस करते हैं? हाँ। पहले कहाँ दिखाया था आपने? दिल्ली चंदा। अच्छा ठीक है, मेडिसिन भी खा रहे हैं आप? हाँ। एक्सरसाइज करते हैं घर पे? हाँ। पैरों में दर्द को थोड़ा आराम है अब? अभी बिफोर 15 डेज से मेरा ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है फिजियोथेरेपी हेल्पलाइन में। यहाँ पे मेरे को काफ़ी बेटर कंडीशन है अभी मेरी पहले से मेरे को चलने फिरने में दिक्कत थी, अब मैं बिल्कुल लगभग ठीक हूँ, 95% मेरे को रिलीफ है।